वीडियो बनने अरे यार बैग ले लेके बैग है ना वो सारी लेके पा रही चल यार नीचे जा नु बच्ची को क्यों नहीं मेरे आया वो गन मारा दुनिया के बिना कहीं बोले जा ना अच्छा लग रहा है यहां से बोलेगा हम दो लीजिए ये फैले हुए लंबे लंबे पहाड़ ये देखिए अंधेरे में सुबह दिखे बोले जंगली आती है देखो दोस्तों सब लोग नहा लिए हैं कुंड में कच्चे की मुंडी देखी मुंडी देखी कच्ची चिल्लाओ मत कोई जानवर आ जाएगा भैंस की और पीछे रह गया यार। हेलो गाइस वेलकम माय व्लॉग चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा व्लॉग काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप रह गया था, कोई ना आगे से व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। आज हम आए हैं परशुराम महादेव मंदिर जो कि कुंभलगढ़ के पास है, अरावली पर्वतमाला के ऊपर सादरी में। तो ये मंदिर काफ़ी ऊंचा पहाड़ी पे है, वहाँ पे आए हम आपको दर्शन कराएंगे परशुराम महादेव मंदिर के। और ये हमारी टीम है जोधपुर की, हम हमारी टीम के साथ आई है, रात को निकले थे जोधपुर से 11:30 बजे गाड़ी से और सुबह पहुँचे हैं 6 बजे पहुँचे हैं। अब दर्शन करके यहाँ का सारा घूम के फिर वापस जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाते हैं और यहाँ की सारी जन्नत दिखाते हैं आपको, पहाड़ी का व्यू दिखाएंगे सब। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। हाथ पर करो हाथ लाइट ऑन कर दो जैसे। अरे वो आगो पड़ती है लाइट लाइट जैसे कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें यहाँ पे। 3-4 दिन बाद में वन विभाग वालों को फूट से दिए थे उनसे सब ये नीचे इधर गिरा था, यहाँ मजाक मारी पड़ा था हमारा, इसी के नीचे गिरा था ये नीचे यहाँ से यहाँ नीचे आया था भाई में वो उसके वो देखो ये डर आज ये हम तो बड़ा टूटी ना ये ना ये डर ये वाला देखो ये बिना वाला पत्थर वो आपने बहुत कर भाई साहब कितनी गहरी जगह हुई यहाँ पे। हाँ पेड़ से पेड़ कट की वो पेड़ दिख रहा ना सुबह सीधा हो रखा सबसे बड़ा पेड़ कट की वाली यहाँ से बूटिया निकाली गई थी। अच्छा 4-5 बंदे तो गाइस तो हम पहुंच चुके हैं परशुराम महादेव जी के मंदिर, काफ़ी मुशक्कत के बाद हम पहुंचे यहाँ पे, काफ़ी कठिनाइयाँ आई हमारे बीच लेकिन आखिरकार हम पहुंच गए। देखो भाई साहब गाड़ी क्या रहे, देखो इतनी बारिश का मौसम, रात का सफ़र, भाई साहब बड़ी मुश्किल से आए हम लेकिन फाइनली हम पहुंच गए परशुराम जी महादेव जी के मंदिर। भाई साहब आगे पानी इतना था कि गाड़ी इतनी अंदर चली गई थी, बड़ी मुश्किल से हम निकाल गया इसको। तो चलो आपको दर्शन कराएंगे परशुराम महादेव जी के। ये पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ से पहाड़ियाँ भी देखिए, ये देखिए भाई साहब परशुराम जी महादेव जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये हमारे सेफ साहब जा रहे हैं, ये परेश भाई देख लीजिए और यहाँ से जस्सी सुमित सेफ वो कृष्णा है। तो चलते आगे की ओर, ये हम खुद है अपनी सीढ़ियाँ यहाँ पे। और ये लंबा रास्ता पूरे 2 किलोमीटर का है, इसमें लगभग आधी तो सीढ़ियाँ है, ये देखिए आप ऐसी सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद आगे प्लेन रास्ता है मेरे हिसाब से। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हाँ ये देखिए ये रास्ता जाने का, यहाँ से देखिए आप। वैसे ये पूरा जो अरावली पर्वतमाला है वैसे ही पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं। तो आप कभी आओ तो यहाँ पे जंगली जानवरों का थोड़ा ध्यान रखना,
कहीं से भी आ सकते हैं, चीते भालू देखते रहिए आप। हम जा रहे हैं ऊपर की ओर और ये हमारी पूरी टीम जो कि हम जोधपुर से आए हैं। हेलो भाई साहब। यहाँ पे जंगली जानवरों की आवाज आ रही है वैसे। हाँ देखिए आप बैक साइड पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, यहाँ पे वन जंगली जानवर ज्यादा है तो चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। कि भाई कोई लटवट ले लेना हाथ में और पीछे कोई मत रहना, सब एक साथ चलना। इतना शानदार लग रहा है नज़ारा देखिए, क्योंकि अभी सावन आने वाला है तो बारिश का मौसम है, बारिश चल रही है। वो बारिश तो रात से ही चालू थी, रात से हम जब निकले थे ना वहाँ से तब से बारिश चालू ही है। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के हमको, आप भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। देखिए अब थोड़ी टीम बोल रही है कि हम थक गए हैं तो ये थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये बैठ गए हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। सेफ साहब की तो क्या है, उस उम्मीद सेफ के तो वो टावर नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में। उनको क्या है कि अपनी बीवी से बात करनी है, अब पता नहीं वो लाइट चल रही है नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्योंकि बीवी परेशान हो रही होगी यार, रात से फ़ोन नहीं आया। क्यों, ये 24 घंटे में 12 से 16 घंटे तो बात करते रहते हैं तो नेटवर्क की दिक्कत आ रही है ना। नेटवर्क आ जाएगा, आप चिंता मत करें, आप बस इस पहाड़ी का आनंद उठाएं। आइए चलते हैं। काफ़ी ऐसी डरावनी आवाज़ें आ रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ऊपर वो यहाँ ज़्यादा शेर चीते ज़्यादा रहते हैं, होंगे तो इतने लोगों को देखिए। परशुराम है जो कि रामायण का मुख्य बोल रहा है, ये बोले है जो परशुराम, पता है कौन है परशुराम, जो रामायण के अंदर श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था सीता से शादी करने के लिए, उस टाइम जब वो आए थे ना धनुष तोड़ने के मना कर रहे थे, बोले धनुष नहीं टूटेगा, भगवान शिव जी का, वो शिव जी के बड़े पुजारी थे, तो वही परशुराम जी है। उनकी उनका यहाँ पे मंदिर है, तो उन्होंने अपने फरसे से यहाँ पे गुफा बनाई थी, वहाँ वहीं पे उनकी मूर्ति स्थापित है। आज भी यहाँ चरणों के निशान है, पैर के निशान, ये पैर के निशान है, अब किसी के भी हो सकते हैं। उनका टी शर्ट खराब लग रहा था उनको, तो उन्होंने अपना टी शर्ट चेंज किया, शर्ट पहन लिए, टी शर्ट वो उतार के रख दिया वहाँ पे, शर्ट पहन लिए तो पता नहीं क्या बोला, फोटो वोटो अच्छी नहीं, हाँ फोटो वोटो अच्छी नहीं आ रहे, तो इन्होंने चेंज कर लिया शर्ट। तो ये तो हमारे सेफ साहब है, पेट को अंदर कर रहे, छाती दिखा रहे, बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं। आप पीछे का व्यू देखिए भाई साहब, वहाँ हाँ उनको व्यू देखिए आप भाई साहब, ये देखिए। और ये परेश भाई ने अपना आईफोन निकाल दिया, अब आईफोन से थोड़ी शूट होगा, वीडियो फोटो वोटो होगी, उसके बाद आगे चलेंगे हम। अब बोले कि मेरी फोटो लो परेश भाई को, अब वो बोल रहे क्या पीछे तो बैकग्राउंड ही नहीं है, फोटो क्या लोगे। चलो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड तो यहाँ से है भाई साहब, बाहर तो वहाँ पे है, देखो बैकग्राउंड तो हो रहा भाई साहब, चीज है देखो, ये देखो पेड़ देखो भाई साहब, चढ़ जाओ ऊपर पर समझ भाई साहब। बरसात आ गई है, जय हो संभव महादेव मंदिर भाई साहब। खाई देखिए खाई यहाँ से, और नीचे देखो क्या है, होगा भाई जानवर वानवर, अच्छे से क्या है देखिए, पीछे पूरी पहाड़ी देखिए, वो वहाँ से लेके वहाँ तक, वो नीचे ये खाई है पूरी गुफा है सब। कुदरत ने स्नान करा दिया अपन को, ये कुदरत तो रात से स्नान करा रही है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे चिल्लाओ मत, कोई जानवर जानवर आ जाएगा भैंस भी, और पीछे रह गए धीरे धीरे सब साथ में आओ, है तो मैं डर लग रहा है गुफाओं में, जल्दी आओ जल्दी। अरे अरे भाई साहब बंदर देखो बंदर, अरे पूरा ये पेड़ बंदरों से भरा हुआ है जो आपको ऊपर दिख रही है, मुझे डर लग रहा है भाई। नहीं कोई मस्ती मत करना भाई, पकड़ के मार देंगे। देखो ये ऊपर पेड़ पे सारे बंदर बैठे, देखो खच्चर गड्ढों पे, खच्चर गड्ढों पे, आदमी अकेला तो यहाँ आ ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं होगी आने की, ऐसी जगह है ये। हम 6 लोग हैं फिर भी हमें डर लग रहा है तो पूरे ना 1 2 3 4 5 6 वैसे आते वक्त अंधेरा था, तो हम आने के समय जो रास्ते का वीडियो नहीं बना पाए, तो
कोई बात नहीं, हम जाते वक्त आपको सारा वीडियो दिखाएंगे कहाँ कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ हमको मुश्किलें आई है। हम इस बार अरावली की गोद में हैं। किसकी गोद में? अरावली पर्वतमाला की। हाँ, अरावली पर्वतमाला, अरावली माला ही है। जल्दी यहाँ से फ्री हो जाओ, बस रणकपुर घूमना है। पहले वहाँ गाड़ी पानी में फंसी, तब तो वापस जाने की बोल रहे थे, बोले चलो चलो वापस चलो। अच्छे मुकेश ने बोला फिर गाड़ी वापस ले रही थी, 5 बज रहे थे, बोले चलो वापस चलो, पानी है, गाड़ी आगे नहीं आ रही। यार सबको मैंने रोक के रखा, मैंने बोला नहीं जाना जाना है। हाँ, और हमारे सामने पानी था, सामने 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी, किसी ने हिम्मत नहीं की आगे जाने की। फिर एक ट्रक वाला आया, वो निकाल के लाया, फिर हमने परवेश भाई को हिम्मत जुटाई कि परवेश भाई यार गाड़ी निकालो, हमें कैसे फिर घूमना है। फिर इन्होंने गाड़ी घुमाई, भाई साहब ये शू करके निकाली गाड़ी पानी से, मतलब और हमारे बाबू भैया कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बाबू मुशाए, क्या बोले? इनकी दिमाग की बत्ती चली क्या? चली पानी में निकले, बड़ी मुश्किल से निकले। जो गाड़ी की हेडलाइट थी वो पूरी पानी के अंदर चली गई थी, कुछ आगे दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें आना था तो इन्होंने रेस दबा के रखी। आखिरकार हमारी गाड़ी निकल गई और हम पहुंच गए। भाई साहब इससे बढ़कर जन्नत नहीं हो सकती, यही है जन्नत। देखिए आप सभी, जैसे खाई देखिए, पहाड़ देखिए, वो वहाँ तक फैले हुए लंबे लंबे पहाड़, ये देखिए यहाँ से। रील बनाने के चक्कर में वो तो आगे निकल के, भैया जानवर आ जाएगा कोई जंगली, जल्दी आ जा। छोरों जल्दी आ जाओ, ओम नमः शिवाय। ऊपर कुछ है मेरे साथ, जय हो। जंगल देखिए आप यहाँ से पीछे का, पता नहीं भैया ऐसी चीजें, अगर ऐसा सुकून भी मिले, ऐसा मौका मिले घूमने का, तो कभी मत छोड़ना, कभी मत झुकना। वैसे हमारा टूर था ये, हमारे स्टाफ का, जोधपुर स्टाफ का, तो हमने तो वैसा टूर बना लिया घूमने का। आगे हम यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, 6 लोग आए, गाड़ी थी, गाड़ी में 6 लोग थे, आगे घूमने के लिए। हाँ पूरे 6 हो ना, अभी तो कोई गायब मत हो जाना। बाबू मुशा चल रहे हैं, वो चप्पल दिख रहे लेडीज के, तो शेर साहब नमन करो और भगवान का नाम लो, परशुराम जी का, माधव जी का, कि इस 2023 खत्म होने से पहले पहले की शादी हो जाए, मजा आ जाएगा कसम से। ये है परशुराम महादेव जी का मंदिर, गुफा के अंदर जो बना हुआ है। तो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, ये हमारा स्टाफ जा रहा है, तो हम बाकी दर्शन आपको अंदर जाके करवाएंगे। अभी आप यहाँ से देख लीजिए, ये मंदिर है, गुफा में बना हुआ है। वैसे इस गुफा का निर्माण परशुराम जी ने अपने फरसे से किया था, उससे में इस फरसे को ऊपर वार किया तो यहाँ पे गुफा बन गई, उसके बाद इनके अंदर से मंदिर। ये स्टाफ रुक गया हमारा, डर रहा है, तो शायद बंदर आ गया सामने। हाँ बंदर है, फोन को तो पकड़ना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं परशुराम जी महादेव जी के मंदिर, उनकी गुफा, वो ऊपर उनकी गुफा है, ये मंदिर है, इनके अंदर उनकी मूर्ति है। तो हमें इन्हीं का इंतज़ार था, इनके दर्शन का इंतज़ार था, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अब मंदिर के बाहर है, अब अंदर जाएंगे, अंदर से आपको दर्शन कराएंगे परशुराम जी महादेव के। उससे पहले हम गणपति के दर्शन, हाँ उससे पहले गणपति बप्पा मोरिया, बोले भैया गणपति बप्पा। हाँ तो गणपति जी के दर्शन कर लिए, अब ऊपर जा रहे हैं हम। हाँ अभी पानी वानी पीते हैं, प्रसाद वसाद लेते हैं, तो आइए। ये दुकान है प्रसाद वगैरह की, मूर्ति वगैरह लेनी है तो ले लीजिए। अंकल जी खड़े हैं यहाँ पे, अंकल जी यहीं के हो आप? शहर ये कहाँ पे? ये अच्छा उदयपुर में रहते, यहीं पे हो?
अच्छा ऊपर ही, घर भी यही बनाया हुआ है? अच्छा यहाँ पे तो मतलब छोटा मोटा कुछ बनाया हुआ अच्छा व्यवस्था है। कब से आपकी दुकान है? आप कौन सा लीजिए? 10 साल से यही हो। देखो ये अंकल जी है, इनकी दुकान है यहाँ पे प्रसाद की। ये इनकी दुकान यहाँ पे 10 साल से है लगी हुई और ये यहीं रहते हैं, यहाँ पे ऊपर रुकने की व्यवस्था है। तो आप कभी यहाँ आओ तो यहाँ पे अंकल जी से प्रसाद वगैरह ले लेना। कौन सा कुंड? अच्छा आपको नहाने के वाला कुंड दिखा दूँ मैं आपको ये। अच्छा ये कुंड जो है ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, मतलब इसका पानी कभी सूखता नहीं है, ये पानी ऊपर से झरने के रूप में आता है। बाकी इसकी तो बात ही छोड़ो। देख लीजिए एक बार कुंड देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोग नहाते भी है लेकिन अभी हम नहीं नहा सकते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो बीमार उमार पड़ जाएंगे, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। वैसे भी बारिश का मौसम है तो चलिए आगे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है आने जाने के लिए। सावन के मौसम में, सावन के महीने में यहाँ पे बड़ा मेला लगा रहता है। उस टाइम इतनी भीड़ रहती है कि आपको दर्शन करने के लिए कम से कम घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। लेकिन आज तो वैसे कोई है नहीं यहाँ पे, मात्र हम 6 प्राणी हैं जो जोधपुर से रात को 12 बजे निकले हैं। बोलेंगे महादेव जी के दर्शन करेंगे और क्रेज तो इस पहाड़ी का था सबसे ज़्यादा, हमको जंगल का, नेचर का। साथ में भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे वैसे जंगली जानवरों का भी डर रहता है। वो दुकान वाले भैया से हमने पूछा, बोले जी हम तो 7 बजे यहाँ से दुकान बंद करके ऊपर चले जाते हैं अपने कक्ष में, क्योंकि यहाँ अकेला आदमी रात को नहीं रह सकता, दिन में भी नहीं रह सकता अकेला आदमी, डर रहता है यहाँ पे। जानवर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, चीते हैं, भालू है, लोमड़ी है, तो हम तो वैसे 6 लोग हैं। आगे की तरफ जा रहे हैं, देवर प्रसाद की दुकान है, प्रसाद वगैरह लेना हो तो आप ले लीजिए यहाँ से। यहाँ पे जूते उतारने की जगह है, उससे आगे से यहाँ पे CCTV कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं। हम ऊपर जा रहे थे मंदिर की तरफ लेकिन भैया बोल रहे कि मंदिर के द्वार खुले नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद मंदिर। ये गुफा की अंदर जाने का रास्ता है, जा रहे गुफा की तरफ, देखते रहिए आप। पूरा व्यू देखिए यहाँ से पहाड़ी का। अभी गुफा लंबी और ऊपर बता रहे हम तो यहीं तक थक के। देखो ऊपर चल रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो सामने दिख रही है। जैसे यहाँ पे फोटो वोटो लेना, वीडियो लेना अलाउ नहीं होगा तो हम शायद ले पाए वीडियो यहाँ की। बस यहाँ तक आपको ले आए इतना भी बहुत है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अभी जाते हुए तो रास्ता में और दिखाऊँ आपको श्री गंगा जी, श्री गंगा जी।